नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। में हूं आपके साथ शिवानी पांडे। उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 377 धर्मगुरुओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। हम लोग पहले 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च के लिए जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। प्रदेश के अंदर कुछ जिलों में केसेज जब हम लोगों ने देखे तो उत्तर प्रदेश के अंदर पहले चरण में 3 दिन के लिए हम लोगों ने 16 जनपदों में लॉकडाउन की कार्रवाई की। फिर हम लोगों को लगा कि इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, तो फिर अगले दिन हम लोगों ने इसको भी बढ़ाने का कार्य किया और 25 मार्च से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का आज 12वां दिन है, तो स्वाभाविक रूप से इस दौरान लोगों को थोड़ी बहुत समस्या तो जरूर आई है, लेकिन ये तात्कालिक है। एक लंबे समय के लिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए और सुरक्षित भविष्य के लिए हमें तात्कालिक समस्या को सहने के लिए और उसके अनुरूप अपनी दिनचर्या को बनाने के लिए तैयार होना ही होगा। और इस दिशा से जहां भी जिन भी राज्यों ने इसका अनुपालन किया है वहां पर उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। तो देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।